गुमला पुलिस ने दो अपराधियों को हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी गुमला थाना क्षेत्र के फोरी मेला मोड़ से की गई है। गिरफ्तार अपराधियों में फोरी निवासी मिन्नत खान और उसका दोस्त अनिल महतो शामिल है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पूरे मामले का खुलासा रविवार को गुमला थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में गुमला SDPO मनीष चंद्र लाल ने किया। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कई कांडों में वांछित अपराधी और उसका साथी फोरी में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस पर दोनों अपराधी पुलिस को देखकर भागने लगे। दोनों अपराधियों को दौड़ाकर पकड़ा गया और तलाशी में इनके पास से हथियार और गोली बरामद हुई। पूछताछ में अपराधियों ने कहा है कि वे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस उक्त मामले में जांच कर रही है। छापामारी टीम में थाना प्रभारी विनोद कुमार, SI आशुतोष पांडे, विवेक कुमार सहित पुलिस के जवान शामिल थे। वही गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। 4 तारीख को पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी विनोद कुमार को सूचना मिली कि ग्राम फोरी में पूर्व में वांछित कांडों में वांछित अपराधकर्मी मिन्नत खान अपने साथी के साथ ग्राम फोरी में शमशान जगह पर बैठा हुआ है, कोई अपराध करने की योजना बना रहा है। जिस पर तुरंत त्वरित कार्य करते हुए पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी विनोद कुमार अपने टीम आशुतोष कुमार सिंह, पप्पू यानी विवेक कुमार पांडे और सरद बल के साथ तुरंत पर यहाँ थाना प्रस्थान किए और फोरी पहुँचे और पहुँचने के बाद उन अभियुक्तों को घेर कर खदेड़ कर पकड़ा गया। जो पुलिस देर को देखकर भाग रहा था खदेड़ पकड़ा गया और उसके जब उसकी तलाशी ली गई तो मिन्नत खां के पास एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया और उसके साथ एक सहयोगी अनिल महतो को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों को गिरफ्तार करके थाना लाया गया और पूछताछ की गई है, जिससे बहुत सारे केसों में केस विभिन्न की संभावना है और इसमें मिन्नत खान के ऊपर तकरीबन 6 केस पूर्व से लंबित थे और ये एक बीच में जेल भी गए थे, जेल से छूटे भी हैं। इनसे आगे कार्रवाई की जा रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।